और ब्लू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज. एथो और अगेन एट ए आई एस स्टार्टेड इन पार्ट सेकंड वीडियो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. नाउ देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ मटेरियल. फर्स्ट इज अपीयरेंस एंड व्हिच ऑब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस शाइनी ऑब्जेक्ट एंड नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट. सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल आर इंक्लूडेड इन हार्डनेस. नेक्स्ट थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी. इन सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर इंक्लूडेड. एंड फोर्थ फ्लोटिंग. फ्लोट ऑन वाटर एंड सी. फ्लोट ऑन वाटर मींस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, और सी यानी पूरा अंदर तक डूब जाना. एंड फिफ्थ इज ट्रांसपेरेंसी. दैट उसमें है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इन द पार्ट सेकंड वीडियो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव कंप्लीटेड दैट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस आई हैव कंप्लीटेड. नाउ मूविंग टू सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज हार्डनेस. व्हिच टू टाइप ऑफ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन दिस. सॉफ्ट मटेरियल्स एंड हार्ड मटेरियल्स. क्या होता है सॉफ्ट मटेरियल, व्हाट इज हार्ड मटेरियल. यू नो वी आर मतलब मेनी थिंग्स आर देयर अराउंड अस. बहुत सारी चीजें डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर अराउंड अस. अलग अलग चीजें होती है. व्हेन समटाइम्स वी आर प्रेसिंग एनीथिंग. सपोज आई हैव टेकन अ वुड इन माय हैंड. अब उसको प्रेस करूंगा वो क्रैक होगा नहीं होगा. व्हाई, बिकॉज इट्स अ हार्ड मटेरियल. वो कौन सा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल. एंड अनदर हैंड इफ आई विल टेक कॉटन इन माय हैंड. अगर मैं कॉटन ले रहा हूं, चॉप ले रहा हूं, उसको मैं प्रेस करूंगा तो वो इजीली प्रेस हो सकते हैं. व्हाई, बिकॉज दे आर द सॉफ्ट मटेरियल. कौन से मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स. नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, some of them may be hard to compress while other can easily compress. कोई कोई मटेरियल easily compress हो जाएगा, कोई easily compress नहीं होगा. Take a metal key and try to scratch with it the surface of piece of wood, nail, aluminium, a piece of stone, nail, candle, chalk and any other material or object you have to take. You can easily scratch some of these material. आप कोई ना कोई मटेरियल, इसमें से कोई मटेरियल ऐसे हो जिसको easily आप scratch कर सकोगे. While some cannot be scratched so easily, बाकी कोई materials होंगे जैसे aluminium है, wood है, वो इजली स्क्रैच नहीं होंगे. So in short, materials which can be compressed or scratched easily, जो materials जल्दी compress हो जाते हैं और scratch होते हैं, तो they are called soft materials. And while some other materials which are difficult to compress, और कोई ऐसे materials होते हैं जिसको हम easily scratch नहीं कर सकते हैं, so they are called hard materials. Understand how soft and hard materials जिसको easily हम compress कर सकते हैं, they are known as soft materials. और जिसको easily compress नहीं कर सकते हैं, they are known as hard materials. Now third property is solubility. In this two types are included, soluble and insoluble. What is soluble substances and what is insoluble substances? Substances that mixes in water completely are known as soluble substances. This activity you have done in lab in grade 5, right? ये activity आपको मैंने करवा के दिखाई थी grade 5 में. ये soluble substances क्या होते हैं, insoluble क्या होते हैं. Soluble substances वो होते हैं जो पानी में easily dissolve हो सके. Soluble substances are that substances which can dissolve easily in water. For example, salt. Just take a glass with water and a pinch of salt with you. जो glass है water का, when you will add a pinch of salt in it, तो salt क्या होगा, पानी में पूरा dissolve हो जाएगा. तो salt is a soluble substance. जब वो पानी में पूरा mix हो गया. Now second is insoluble. Insoluble क्या होगा, जो substances that do not mix with water. ऐसे substances जो पानी में dissolve नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं insoluble substances. In insoluble substances, if I will take example, oil. Now take a glass of water with you and an oil with you. जो पानी है glass है, when you will add oil in it, जो oil है वो उसमें dissolve नहीं होगा, बल्कि उसके वो ऊपर आ जाएगा, वो उसके ऊपर float हो जाएगा. That float on water and explain. तो insoluble means क्या हुआ, जो चीजें उसमें पानी में soluble नहीं है. Soluble example, salt हो गया, sugar है, ये दोनों किसमें soluble हो सकती है. Insoluble में oil है, nail paint. Nail paint होती है जब mother and sister साथ उसे, अगर उसको पानी में डालोगे तो वो भी इसमें soluble नहीं होगी, वो पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, तो वो भी insoluble होगा. I'm repeating again, soluble means the substances which can dissolve in water easily are known as soluble substances. And insoluble means the substances which cannot dissolve in water easily are known as insoluble substance. As you know, many type of gases are present in the water, right? बहुत सारे type के gases present होते हैं water में.
some gases are soluble in water, उसमें से कोई gas water में soluble होते हैं, whereas others are not. Water usually have small quantity of some gases dissolved in it. In water, gases are dissolved in it. For example, oxygen gas. Oxygen water में dissolve होती है. Oxygen gas dissolved in water and is very important for the survival of animals and plants that live in water. You know fish water में रहती है, right? The fish is aquatic animal. अब fish water में तो रह रही है, but every living organism, जो भी living organism जितने भी है, उसके animals हो, plants हो कि human beings हो, we all are living organisms. We need oxygen to breathe and we need oxygen to live. अगर oxygen नहीं होगी, तो within a minute we will die. अगर oxygen present नहीं होगी हमारे बाजू में, तो हम लोग die हो जाएंगे. तो same in aquatic animals also, aquatic animals से वो लोग breathe करते हैं. So from where they are getting oxygen? उनको oxygen कहाँ से मिलती है? So O2 मतलब oxygen is a chemical formula of oxygen O2. वो water में present होती है और किसके लिए helpful है? Aquatic plants और animals के लिए, because they are surviving water only, तो उनको oxygen पानी में से मिलती है. Now three properties completed for balance, hardness and solubility. Now moving to fourth property that is floating. उसमें है दो object, float on water और sink. Float on water means क्या होता है? ऐसे object जो पानी के ऊपर तैर जाए, और sink यानी होता है जो पानी के अंदर आते हैं, किसी भी dissolve पूरे डूब जाते हैं. Now moving forward, while doing activity 4, activity 4 कौन सी थी हम लोगों ने? Soluble और insoluble वाली, जो मैंने बताया कि take a pinch of salt and water. तो activity 4 में क्या नोट किया? We have noticed that insoluble solids separated out from water. You may also notice this with some liquid in activity 5. Some of these materials did not mix with water. कोई materials पानी में easily dissolve नहीं हो सके. Others may have sunk to the bottom of tundra. Right? और कोई object आप ऐसे example ले सकते हो. मतलब कोई object जो होंगे वो पानी के ऊपर float हो जाएंगे और कोई sink हो जाएंगे. अब float on water पे क्या होता है example लेंगे sink. Oil वाला हम लोग आप oil डाल के देखो पहले. जो oil होगा पूरा इसके ऊपर आ जाएगा. इसके bottom के ऊपर तो means वो floating हुआ. और सिंक हम बोले तो हम सॉइल का एग्जांपल ले सकते हैं. हम जैसे सॉइल मिक्स करेंगे वाटर में, तो सॉइल क्या होगी? बिल्कुल उसके बॉटम में चली जाएगी, राइट? ड्राई लीव्स फॉलन ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, अ स्टोन टेंड थ्रोइंग द पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पानी. सी दिस यू हैव टू डन एट योर होम. दिस एक्टिविटी आर वेरी इजी, आप उसको इजीली अपने घर पर भी कर सकते हो. और मालूम पड़ जाए कौन से ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट हो रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक हो रहे हैं. Now last property of material is transparency, and this is very important for you. ये fourth book PCT that you already completed your earlier grades. Now fifth one is new for you. Transparency is a property of material. और कौन सा object include इसमें? Transparent object, opaque object and transparent object. Now see in your textbook what is this? You might have played the game of hide and seek. आपने hide and seek game तो खेली होगी. Think of some places where you would like to hide, so that you are not seen by others. हम hide and seek खेलते हैं, छुपते क्यों हैं उसमें? किसको हम देख नहीं पाए इसके लिए. Why did you choose those places? हमें ऐसी जगह क्यों चूज की जहाँ पे हम किसको देख नहीं पाए? Would you have tried to hide behind a glass window? अगर आप hide and seek कभी खेल रहे हो और glass window है घर में, अब उसके पीछे छुप जाओगे तो क्या होगा? जो नाम दिया होगा डैमर होगा जो, तो उसको क्लियर दिख जाएगा कि आप ग्लास विंडो के पीछे खड़े हो, बिकॉज ग्लास विंडो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. Observe, not as your friends can see through that spot you. Can you see through all the materials? क्या हम हर एक materials देख सकते हैं? No. Two substances or materials through which things can be seen are called transparent object. अब क्या होता है transparent object? Transparent object means ऐसे object, two substances or materials through which things can be seen clearly. ऐसे substances और चीजें जिसने हमको सामने की चीज कोई भी देख सके उसको बोलते हैं transparent object. एग्जाम्पल होते हैं ग्लास, अगर ग्लास है कोई आपको तो उसमें दिखता है. वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. कौन सा एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट के ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर एटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. व्हाई आर दे डूइंग लाइक दिस? शॉपकीपर्स होते हैं वो जो उनके बिस्किट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, वो ग्लास के कंटेनर में या तो प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस? बिकॉज़ उनको वो चीज क्लियर दिख सके कि उसके अंदर क्या पड़ा है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है?
ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल जिसमें आपको क्लियरली कोई भी चीज दिख सकती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल कौन से थे, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट आर एग्जांपल ऑफ दिस। ऑन अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी। और दूसरे क्या होते हैं, अब सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हम लोग देख नहीं सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। अगर मैं आपको वुडन बॉक्स दे दूं और उसको बंद रखा हो मैंने और आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर यू कि आप उसमें देख पाओगे क्या है? नो। उसे हम जब उसको ओपन करेंगे तो ही हमको देख पाएगा उसके अंदर क्या पड़ा है। तो ऐसी मटेरियल्स, ऐसे थिंग्स होते हैं जिससे हमको देख नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स। अ कार्डबोर्ड, कार्टून, अ मेटल कंटेनर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस। वुड है, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव मटेरियल। डू यू फाइंड इट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन आइदर ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट। Now see what you have to do, you have to notice the things at your home only. आप अपने घर पे जितनी भी चीजें उनको नोट करो और classify करो कि कौन सी चीजें transparent है और कौन सी चीजें opaque है। Transparent के लिए आप किचन में move करोगे, जैसे मम्मी आपके सामान रखती होगी तो आप देखा होगा पल्सेस होंगे, राइस होंगे, आप वो नोट करो उन्हें transparent ऑब्जेक्ट में रखे हैं कि opaque है। अगर पल्सेस है कोई प्लास्टिक कंटेनर पड़ा है तो क्लियर दिखेगा आपको, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर एल्यूमिनियम में रखा है तो पूरा कवर होगा हमको देख सकते बट क्लियर हम लोग नहीं देख पाते उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसके लिए ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई यू टेक अ पेपर इन माय हैंड, अगर मैंने पेपर लिया है और आई हैव एडेड ऑयल ऑन इट, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा दिया है, अब आफ्टर 5-10 मिनट्स आप उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा सही पर आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, तो उन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन द थ्री टॉपिक्स दिस। ट्रांसपेरेंट मींस होता है ऑब्जेक्ट व्हिच वी कैन सी क्लियरली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लियरली देख सके दैट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम कुछ भी देख नहीं सकते दैट आर नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। And transparent means ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं but we are not able to see clearly that are known as transparent object. So I hope you understood the all the main 5 properties of materials. Here I have completed the chapter number 4 that is sorting materials into groups. I hope you all have understood the topics which I have covered in these part in these 3 parts of this chapter. Whatever doubt you are having related to this chapter or related to any video of this chapter, you can ask from me on online session. Thank you and have a nice day.